आज मेरे लॉग में मैंने 73rd रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हमारे स्कूल में हम लोग कैसे सेलिब्रेट करते करके दिखाने वाले हैं आज का लॉग में। तो बोर्ड डेकोरेशन हमेशा मैं ही आइडिया लगाता हूँ और मेरे साथ टीचर्स हेल्प करते हैं, तो हम मिल के वो पूरा बोर्ड का क्राफ्ट वर्क हम लोग करते हैं। सो इस बार पिकॉक बनाने का सोच के इस प्लानिंग में हम लोग ने बोर्ड डिस्प्ले बोर्ड हम लोग ने डिज़ाइन कर रहे हैं। 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स भी आया था, दूसरे बच्चे को नहीं बुलाया था, कोरोना की वजह से थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रहते हैं ना स्कूल के लिए, इसके लिए ओनली 10th स्टैंडर्ड वॉज अलाउड। उनको बुलाया हम लोग ने बोर्ड डेकोरेशन देखे, ये भी वन ऑफ द ड्राइंग टीचर ने किया था, एंडिंग में आया था, हमारा कंप्लीट हो रहा है। मॉर्निंग 7 o'clock गए थे हम लोग ने स्कूल में, तब से हम टीचर लोग सारा काम डिवाइड करते हैं, कौन 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 सा काम करने का करके। फ्यू टीचर्स मेरे को मदद करते बोर्ड डेकोरेशन करते वक्त, रंगोली भी बनाने में, और नेक्स्ट फ्लैग की इधर डेकोरेशन रहते हैं, एंड नेक्स्ट डिस्प्ले बोर्ड रहते हैं, गेस्ट वेलकम के लिए उधर भी रहते हैं, वो सारा चीज़ हम लोग ही देखते रहते स्कूल में। सो नाउ द प्रोग्राम स्टार्टेड। फर्स्ट उधर का भगवान का पूजा होता है, गणपति का वगैरह, फिर बाद में बच्चे ने परेड कर रहे। अभी फ्लैग होस्टिंग शुरू हुआ है, इस बार ज़्यादा गेस्ट को नहीं इनवाइट किया था, गवर्नमेंट ने मना किया था, इसके लिए हम लोग ने बापू सर और धोने सर को इनवाइट किया था। अभी टीचर्स का स्पीचेस वगैरह रहते हैं रिपब्लिक डे के बारे में। मैं ज़्यादा देर रुका नहीं स्कूल में, हमारा बिल्डिंग में सत्यनारायण पूजा है, इस साल हम लोग बैठ रहे पूजा करने के लिए हमको चांस मिला था। हर साल जनवरी 26 को हमारा सोसाइटी में सत्यनारायण पूजा होता है मॉर्निंग का टाइम में, और इवनिंग का टाइम में कल्चरल प्रोग्रेस भी होता है, और एक वीक पहले स्पोर्ट्स भी कंडक्ट करते हैं, जो जिसको स्पोर्ट्स में मिला ना वो विनर्स को भी इवनिंग का टाइम में कल्चरल प्रोग्राम्स और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी होते हैं। इस साल तो नहीं है, मतलब लास्ट 2 years से नहीं हो रहे, जब से कोरोना हुआ ना उस साल से बंद किया था कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह, नहीं तो हम लोग इतना एंजॉय करते हैं ना, पूरा दिसंबर से हमारा प्रैक्टिस शुरू होता है, डांस प्रैक्टिस वगैरह, और स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करते थे हम लोग, बहुत फुल एंजॉय करते। तो 2 साल से हम लोग वो सारा एंजॉयमेंट बहुत मिस हो रहे, ये कोरोना कब जाते पता नहीं, ये जाना चाहिए। और हम लोग नेक्स्ट ईयर तक सोच रहे हमारा वापस वो सब चीज़ स्टार्ट होना चाहिए करके। सो दिस इज़ आवर लॉग, आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फ्रेंड्स।